आज मैं आप लोगों के साथ जो ट्रिक शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जो चीज़ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और फिर भी आप लोगों की वीडियो अगर वायरल ना हुई, आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। हमारा अगर यूट्यूब चैनल है तो हमारा सबसे बड़ा बेसिक मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट ही नहीं करता। व्यूज आते हैं, कैसे आते हैं, हम कुछ दोस्तों को लिंक्स भेजते हैं, उसके बाद हम अपने सोशल मीडियाज पे लगाते हैं या किसी को कहते हैं कि चैनल प्रमोट कर दें, तो कुछ व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद व्यूज आना बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? आज आप लोगों के साथ मैं एक जो चीज शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि यूट्यूब खुद भी बताते हैं और इसमें एक ट्रिक भी होती है, उस ट्रिक को मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज देखनी है और आप लोगों को मैं वो चीज लाइव दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से बिल्कुल आप लोगों को हर चीज वाजे तौर पे नजर आ जाएगी कि कौन सी वीडियो YouTube रिकमेंड करता है, आगे खुद प्रमोट करता है, कौन सी वीडियो YouTube खुद आगे प्रमोट नहीं करता। ठीक है, ये आप लोगों को वाजे डिफरेंस अभी खुद ही नजर आ जाएगा जो मैं आप लोगों को सारा लाइव दिखाऊंगा और फिर उसके बाद समझाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस दिखा देता हूँ, मैं अपने चैनल के रिलेटेड ही दिखा देता हूँ, अपने चैनल से रिलेटेड कि क्या डिफरेंस होता है, किस वीडियो को YouTube प्रमोट करता है, किस वीडियो को YouTube प्रमोट नहीं करता, और अगर नहीं करता और हमने उसको प्रमोट करना है, हमने क्या ऐसा करना है कि YouTube उसको प्रमोट करे, तो वो सारी ट्रिक्स, सारी स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले कुछ सैंपल्स देख लें कि ये चीज़ें आप लोग जब देख लेंगे तो आप लोगों को मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज नोट करनी है ताकि ये आप लोगों को आगे काम देगी सुनने में। ठीक है, वो ये चीज ये नोट करनी है कि यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर देख लें कितने हैं इस चैनल के, 238K, 238,000 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के। ठीक है, अच्छा, अगर 238,000 है तो मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें। ये इस वीडियो के ऊपर मेरे टोटल व्यूज आए हैं 4.9K, 5,000 व्यूज आए हैं भाई, सब्सक्राइबर हैं 238,000, व्यूज आए हैं टोटल 4.9K। अब आते हैं रीच के अंदर, रीच के अंदर इसके टोटल जो इम्प्रेशन गए हैं 1,74,000 इसके इम्प्रेशन गए हैं, मतलब कि 1,74,000 लोगों को सिर्फ मेरी वीडियो नज़र आई है। क्यों भाई 1,74,000 को क्यों नज़र आई है? सब्सक्राइबर मेरे 2,38,000 हैं, कम से कम तो 2,38,000 को तो नज़र आनी चाहिए थी, लॉजिकल बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। और व्यूज़ देखें जी, टोटल 4.9, सेम यहाँ पे आए। ये वीडियो है एक और मेरी इसी चैनल की, इसकी अगर बात की जाए तो इसके व्यूज़ कितने हैं, 9,08,000, कितने 9,08,000 व्यूज़ हैं इसके। रीच के ऊपर आए तो 34 मिलियन इसके इम्प्रेशन है, 34 मिलियन इम्प्रेशन हैं सिर्फ इस वीडियो के। क्यों भाई इतने लोगों को क्यों दिखाई है? टोटल सब्सक्राइबर तो मेरे 2,38,000 हैं, मैं क्या इनकी फूफी का पुत्र हूँ जो मेरी वीडियो 34 मिलियन लोगों को जाके इसने दिखा दी? तो यही फ़र्क मैंने आप लोगों को समझाना है कि कौन सी ऐसी आप लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से व्यूज़ यहाँ तक रह जाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके व्यूज़ को, आपके चैनल को उठा के यहाँ तक ले जाती है। इन सारी स्ट्रेटजीज़ को मैंने आप लोगों को समझाना है। ठीक है, ये रीच के अंदर ये जो इंप्रेशन चीज़ होती है ना, ये बहुत ही कुत्ती चीज़ होती है, इसको आप लोगों ने समझना है मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सॉरी यार। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। और चैनल की ग्रोथ इनसे कितनी होती है जो मैं आप लोगों को जब ट्रिक बताऊंगा तो जब आप लोग समझ जाएंगे तो इससे ग्रोथ कितनी होती है ये आप लोगों की आंखों के सामने है कि सिर्फ इस वीडियो ने मुझे तकरीबन $1,800 कमा के भी दिया और इसके साथ साथ सिर्फ एक वीडियो ने मुझे 44,000 मतलब कि 45,000 सब्सक्राइबर भी एक वीडियो ने निकाल के दिया। क्यों, कैसे, ये कैसे वर्क करती है, क्यों इतनी मेरी वीडियो को प्रमोट किया यूट्यूब ने, कैसे किया, किस मकसद के ऊपर किया, वो जरा समझे जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने खुद देखा, लाइव देख लिया आप लोगों ने कि देखे, मेरी बात सुने, अब मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं, 2,40,000 फिलहाल, जिस वक्त अभी आप फिलहाल मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर बाद में देख रहे हो तो शायद ज्यादा हो। ठीक है, 2,40,000। अब अगर मेरी वीडियो के इंप्रेशन मेरी वीडियो के 1 मिलियन आ गए हैं तो इसका मतलब है कि यूट्यूब ने पूरा जोर लगाया है मेरी वीडियो को आगे भेजने में, समझे इस बात को। सब्सक्राइबर टोटल मेरे 2,40,000 है, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, मोबाइल के अंदर यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं, तो आप लोगों के सामने जो वीडियोज आती हैं वो एक इंप्रेशन होता है। या लैपटॉप के ऊपर आप लोग अगर यूट्यूब ओपन करते हैं तो जो सामने होम स्क्रीन पर आप लोगों के कुछ वीडियोज आती हैं वो क्या होता है, वो इंप्रेशन होता है। तो जो सब्सक्राइबर होता है हमेशा उसी को वीडियो दिखाई जाती है ना, तो यहाँ तो टोटल 2,40,000 सब्सक्राइबर है और इंप्रेशन कितने हैं, 1 मिलियन क्रॉस कर गए। क्यों?
और दूसरी एग्जाम्पल आप लोगों ने देख ली कि भाई सब्सक्राइबर 2,40,000 है और इंप्रेशन इतने से है, भाई जितने मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी इंप्रेशन शो नहीं हुआ। ठीक है, इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस समझना है। तो बेसिक चीज ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है कि वीडियो वायरल कराने के लिए, वीडियो को प्रमोट कराने के लिए, वीडियो को रिकमेंडेशन कराने के लिए जो दो तीन चीजें मैटर करती हैं वो आपकी वीडियो में अगर होंगी आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली जो है वायरल हो जाएगी। पहली चीज ये है ऑडियंस रिटेंशन। हर किसी को पता है क्या चीज होती है, ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 4 मिनट अगर एवरेज के तौर पे हर बंदे ने देखी है तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन 40% है। समझिए इस बात को, अगर 10 मिनट की वीडियो है और 6 मिनट एवरेज लोगों ने देखी है तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन जो है वो 60% है। जितनी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती जाएगी उतना ही YouTube ऑटोमेटिकली आप लोगों की वीडियो को वायरल करता जाएगा और ऑटोमेटिकली लोगों को दिखाता जाएगा। समझे इस बात को, चाहे आपके सब्सक्राइबर्स कम है, ये YouTube का काम है उसको लोगों तक पहुंचाना, न्यू व्यूवर्स को दिखाना जो आपके सब्सक्राइबर नहीं है। तो इस तरीके से रिकमेंडेशन के अंदर वीडियो आ जाती है और वो ऑटोमेटिकली व्यूज लेती जाती है और मिलियंस के अंदर इंप्रेशंस आ जाते हैं, जिससे आप लोगों का चैनल भी ग्रो कर जाता है, वीडियो भी वायरल हो जाती है। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है CTR। CTR किसकी एब्रीविएशन है? क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, ब्राउज फीचर के अंदर हमेशा जो व्यूज आते हैं वो CTR के थ्रू आते हैं, मतलब कि अगर आप लोगों का CTR हाई है तो आपको ब्राउज फीचर से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। जब ब्राउज फीचर से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ब्राउज फीचर के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड सजेस्ट वीडियोस के अंदर भी यूट्यूब आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता जाएगा। अब ये CTR क्या होता है, CTR का मतलब समझे, 100 बंदों के सामने आपकी वीडियो आई है, 100 बंदों में से 10 बंदों ने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपका CTR कितना हुआ? 10%। 100 बंदों के सामने आपकी वीडियो आई है, 20 बंदों ने उस पर क्लिक किया तो आपका CTR कितना हुआ? 20%। जिसका CTR ज्यादा होता है उसको ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है YouTube, जिसकी ऑडियंस रिटेंशन होती है उसको ऑटोमेटिकली करता है YouTube रिकमेंड, और जिसका CTR ऑडियंस रिटेंशन दोनों ज्यादा होती हैं वो तो फिर जाती पड़ती है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा जब वीडियो बनानी होती है तो इस तरीके से बनानी है कि आपकी वीडियो के अंदर इतनी जान हो कि जो बंदा भी देख रहा हो आपकी वीडियो वो कम से कम आपको 40-50% ऑडियंस रिटेंशन दे के जाए। मतलब कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 5 मिनट तक वो आपकी वीडियो पे जमा रहे जैसे अभी तक आप जमे हुए हैं। इसमें आपकी वीडियो की क्वालिटी भी डिपेंड करती है, एडिटिंग भी डिपेंड करती है, और आपके बोलने का स्टाइल, कन्विंस करने का स्टाइल, रोकने का स्टाइल, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, और CTR को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज, आपका थंबनेल कैची होना चाहिए, ऐसा हो कि ऐसी की तैसी कर दे बंदा कहे कि यार इस पे लाजमी ही क्लिक करना है, उससे आपका CTR बढ़ता है। ये दोनों चीजें अगर मिला लेते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, ये दोनों चीजें अगर नहीं मिलाते अलग अलग रखते हैं तो ऐसा 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 वो ठीक ठाक व्यूज ले जाती है। तो ये एक गिदड़ सिंह ही है जो हर कोई कहता है जी के व्यूज नहीं आते, यही वजह है कि व्यूज नहीं आते। ना आप ऑडियंस रिटेंशन पे तवज्जो देते हैं, ना आप लोग CTR पे तवज्जो देते हैं। इन दो चीजों पे तवज्जो दें, आपकी वीडियो वायरल ना हुई तो फिर मुझे कहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।